हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 2J पे हैं और आज की क्लास में हम लोग पहले कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा है। एक्स का पावर 4+4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा इसमें से। तो देखो यहाँ पर हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर 4x² जोड़ेंगे तो हो जाएगा कैसे। देखो आप एक्स का पावर 4+4+ का अगर 4x² लिखते हैं तो हम देखिए इसे क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 4x² को 2 × x² × 2 में, तो ये फॉर्मूले पे सेट हो गया कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ही ना जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। ये 1 तो हो गया, इसमें क्या कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो इसे 3x का स्क्वायर कर सकते हैं ना इसे, ठीक है। अच्छा माइनस का 2 × 3x कितना लिखेंगे तो फिर 30 आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे तो 30 आ जाएगा ना जी। चलिए तो यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर हमें ऐड करना होगा, यानी 25 ऐड करना होगा, तभी ना फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा 3x - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा इसमें। तो देखिए हम लोग 3 नंबर के लिए देख लेते हैं। दिया है 9y² - 12xy, ये है ना जी। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ देखिए हम लोग 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे, माइनस 2 × 3y। अच्छा ये 6y हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x लेना होगा तभी ना 12xy हो जाएगा। तो यानी कि इसमें 2x का होल स्क्वायर ऐड करना होगा, यानी कि 4x² ऐड करना होगा, समझ रहे ना बात को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। यहाँ पर 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखो ये 1 का स्क्वायर - 2 × 1 और इंटू में यहाँ 4x करना होगा तभी ना आपका 8x आएगा, यानी कि 4x का होल स्क्वायर हमें ऐड करना होगा। तो 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16x² हमें ऐड करना होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो देखो ये 7y का होल स्क्वायर है माइनस 2 × 7y, तो ये 14 हो गया और 7 × 14 ना हो गया जी, 14 × 14 = 56। तो 4x में गुना करेंगे यानी कि 4x का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना होगा, सॉरी 4z ना, इसमें z दिया हुआ है, तो 4z का होल स्क्वायर ऐड करना होगा, यानी कि हमें 16z² ऐड करना होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है x² + 13x, कह रहा है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर और प्लस 2 × x × 13/2 लिखेंगे तभी ना जाके आप मल्टीप्लाई करो तो 13x आएगा, यानी कि 13/2 का होल स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो जो हम लोग इसमें जोड़ना पड़ेगा यानी 13/2 का होल स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब कि जो हमें चाहिए था वह व्यंजक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 169/4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर। दिया है 81p² - 198pq, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें, इसे 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 × 9p, अच्छा इसमें गुना करेंगे तो 18 होगा, और 18 में कितना से गुना करेंगे तो 198 रह जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे गुना कर दें 11q से, तो गुना करने पे ये आ जाएगा, यानी 11q का स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो व्यंजक जो हमें जोड़ना होगा वो क्या हो जाएगा, 11q का स्क्वायर, यानी 121q² हो जाएगा, समझे ना, 121q² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। x² - 17x में क्या जोड़ा जाएगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे x² - 2 × x ले लेते हैं और फिर क्या करना होगा, 17/2 तभी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी कि 17/2 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा तभी ना ये फॉर्मूले पे सेट होगा। तो हमारा जो व्यंजक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 289/4, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है 16x² + 25y², ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए आप इसे कह रहा क्या जोड़ा जाए इसमें। तो आप यहाँ पर देखो इसे आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और इसे 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग इसमें देखिए प्लस में भी जोड़ सकते हैं और माइनस में भी जोड़ सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे भी सेट कर सकते हैं और माइनस बी होल स्क्वायर पे भी सेट कर सकते हैं, यानी कि प्लस और माइनस दोनों यहाँ ले सकते हैं। 4x into 5y, यानी कि हम लोग जो व्यंजक यहाँ जोड़ने वाले हैं वो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 40xy, क्योंकि अगर प्लस में लेते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा, माइनस में लेते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा, है कि नहीं। चलो लग गया 10 नंबर यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x दिया है, तो आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 × x और 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करना होगा तभी नहीं सेट हो पाएगा, यानी कि हमें जो व्यंजक हमें प्राप्त होगा यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग 11 नंबर से देखते हैं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 15, तो यहाँ पे देखिए आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस इसे 2 × x × में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे तभी ना यहाँ पे 8x आ पाएगा, तो हमें प्लस 4 का स्क्वायर लेना होगा, ऐड करना होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा और प्लस में 15, तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूले पे सेट हो गया कौन सा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही ना होगा जी यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख देंगे कि एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 15 आ जाएगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है एक बार हम लोग यहाँ पे इसे प्लस में और एक बार माइनस में दे सकते हैं ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 4 प्लस का 1 एक्स प्लस 4 माइनस का 1, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस का 5 और यहाँ पर एक्स प्लस का 3, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर 12 नंबर को, 12 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस का 4, ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, पहले ही आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग फॉर्मूला का देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 2, फॉर्मूला पे सेट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कर लेते हैं इसे 2x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे चलिए तो हम लोग यहाँ फॉर्म लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना जी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x या फिर पहले प्लस का और फिर इसके बाद माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्लस माइनस कोई भी चलेगा, यानी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर में देखिए दिया है एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 3, यहाँ देखिए हम एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे तभी नहीं आएगा, तो प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे बस सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस में 3, यहाँ से यह फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 प्लस 3, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फिर हम लोग यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है, 15 नंबर में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 437, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में 2 और प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस 437 यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है 437 ही ना है जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूले सेट हो रहा है किसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 437, ठीक है, तो यहाँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 441, यानी लिख सकते हैं a माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 21 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस 2 प्लस 21
और a माइनस टू माइनस का 21, ठीक है। तो देखिए a प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 19 और यहाँ a माइनस का 23, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 16x स्क्वायर प्लस का 56x प्लस का 13। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4x, ये 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, 7 ना लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और फिर घटा देते हैं और प्लस का 13। तो यहाँ फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो गया, तो 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 49 और प्लस का 13। चलिए तो हो जाएगा 4x प्लस का 7 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ 36 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, या एक बार प्लस में माइनस में, प्लस 6 और फिर 4x प्लस का 7 माइनस 6, तो आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 और यहाँ 4x माइनस का यहाँ सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर में देखिए दिया है ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 567, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a इंटू में 3 है, 3 सिर्फ होगा ना, तभी ना 6a आ जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, माइनस का 567। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ पे ये यह हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 9 और माइनस का 567, तो आ जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 576। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये 24 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, a प्लस 3 प्लस का 24 और a प्लस 3 माइनस का 24, यहाँ हो जाएगा a प्लस का 27 और इंटू में a माइनस का 21, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का 8p और प्लस का 7 देखिए, पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में पी इंटू में 4, अच्छा 4 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्लस का 7, तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा पी माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस ये 16 और प्लस का 7, हो जाएगा पी माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 9, तो हो जाएगा पी माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देते हैं, तो पी माइनस 4 प्लस 3 और इंटू में पी माइनस 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा पी माइनस 1 और इंटू में पी माइनस का 7, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 153, देखिए यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स और इंटू में 13 लिखेंगे ना, तो 13 का स्क्वायर जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा, है ना जी, और फिर यहाँ पर है आपका प्लस का 153, एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ माइनस का 169 और प्लस का 153, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16, तो अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ये यह हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया, ठीक है, तो x प्लस का 17 और यहाँ x प्लस का 9 हो जाएगा, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दिया हुआ है x का पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू में क्या लिखेंगे 1 ना, तभी नहीं आएगा जी, चलिए तो 1 का स्क्वायर जोड़ के और 1 का स्क्वायर घटा देते हैं और प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अच्छा एक और काम कर सकते थे, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ ना, तो 8 आएगा, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और फिर 9 को 3 का स्क्वायर कर देते हैं और ये प्लस 2x स्क्वायर को अलग कर देते हैं क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किस में, इन दोनों के लिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 3 और प्लस का 2x स्क्वायर है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का
होल स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर। तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में करने देंगे, या प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस का टू एक्स या प्लस का टू एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस का टू एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का थ्री, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर दिया हुआ है, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6। तो कर देते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x, और इंटू में यहाँ पर लेना होगा 5/2, गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 15x आ जाएगा। तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ पर घटा भी देंगे, प्लस 6 लिख के तब इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूले पर सेट हो गया, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस के यहाँ 25/4, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस, यहाँ पर देखिए 4 एल्सियम होगा, 6 का 24 और माइनस का 25। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, देखिए क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 1/4 आएगा। तो अब इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 3x माइनस 5/2 प्लस का 1/2 और 3x माइनस 5/2 माइनस का 1/2। तो देखिए इसको और इसको यहाँ पे ऐड करना है, ये माइनस का प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ देखो माइनस सिक्स बाई टू यानी आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, चाहो तो इसमें से 3 भी बाहर निकाल सकते हो या इतना भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3। एक काम करते हैं, पहले इसमें से 2 कॉमन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस का 3/2 बच जाएगा। अब इसमें सेट करेंगे, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू में एक्स और इंटू में 5/4 लिखना, तभी ना कट के आएगा। तो यहाँ 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे भी, 3/2 और माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा एक्स माइनस का 5/4 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 और माइनस का 25/16 हो जाएगा। चलिए 2 गुना में एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 16, इसमें से भाग करेंगे 8, 8 जाके गुना कर 24 माइनस 25। चलिए अब इसके बाद 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, माइनस 1/2 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यही ना हो जाएगा जी, सॉरी 1/4 का स्क्वायर ना होगा, 1/16 आएगा यहाँ पर। चलिए तो 2 इंटू में यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देते हैं, तो एक्स माइनस 5/4 प्लस का 1/4 और यहाँ एक्स माइनस 5/4 माइनस का 1/4, ठीक है। चलिए अब आगे इसे देखते हैं, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में एक्स, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे माइनस 4/4 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 6/4, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, 2 इंटू में एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स माइनस 3/2, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में ना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in पे, और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।